आरके म्यूजिक प्रचार सारे मिलके बोले जय हो बाबा चांदूदास की। मैं पुवार इलाके में जहां तक मैं समझता हूँ, वैसे तो बहुत गाने बजाने वाले हमने भी थोड़े बहुत दिन रब्बा किया, गाने बजाने का गाना तो आया नहीं, लेकिन पीछे ही पड़े रहे गाने के भी खूब। हमारे गांव में एक ऐसी शख्सियत हैं कवि रोहतान जी, उनका आज जन्मदिन भी है। हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत ढेर सारी बधाई भाई, भगवान आपकी लंबी उम्र करे। कविता के द्वारा समाज की सेवा करते रहें, और आप समाज सेवी तो हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए बड़ी ये गर्व की बात है। हम जहाँ भी जाते हैं, जिस भी प्रोग्राम में जाते हैं, वहाँ जिक्र सुनते हैं, वहाँ कवि रोहतान का जिक्र जरूर होता है। देखो तो साची बात बखत पे कह दे साची में के चोरी। कोशिश करांगे आपके बीच में, आपकी दया से, जो आजकल जवान भाई है नेट पे जो रहते हैं इंटरनेट पे, उनको तो पता है काफी समय हो गया, पिछली 18 तारीख से लगातार दिनों रात के प्रोग्राम आपकी दया से हैं, ये सच्चाई है। आपका आशीर्वाद न्यू ही बना रहे सदा, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। आज जिसी भी हिम्मत है, कोशिश करेंगे आपके बीच में दो चार बात सुनाने की। आइए कथा की तरफ बढ़ते हैं। बताती गोपी चंद महाराज, जिसके 16 रानी 12 कन्या, ये हमारी माता जी मान सम्मान देती है, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। खूब आनंद से राज करते हुए, लेकिन सजनों नुकाकर के समय करा दे नर के कर ले समय आवनी जानी, समय पर प्यारा धोरा धर जा समय बदल जा बानी। विचार करते करते राजा गोपीचंद के मन में एक भावना कि अपनी प्रजा को बहुत सुखी रखूं, आनंद से मेरी प्रजा रहे, कोई मेरी प्रजा में दुखी ना रहे। एक दिन सुबह सुबह का टाइम और वो महाराजा गोपीचंद बैठे हुए, इतनी देर में दो दीवान वहां पहुंच जाता है। हे महाराज चलिए स्नान करिए आप। गोपीचंद बिल्कुल तैयार हो जाता स्नान के लिए। ले भाई के तैयारी से महाराज पूरी तैयारी कर रखी आपके स्नान की। वो डोडीवान गोपीचंद को अपने महाराज को बताता है, महाराज नहाने धोने के लिए के व्यवस्था कर रखी है, के प्रबंध कर रखे हैं। यहां से इस कथा का शुभारंभ होता है। मैं चाहूंगा जितने सज्जन यहां बैठे एक बार जोरदार जयकारा श्री गौ माता के नाम से आप लगाएं, बोल श्री गौ माता की। वो समझाता है और डोडीवान क्या कहता है, क्या प्रार्थना करता है, क्या कहता है। हेलो चंदन चौकी पिछी नहान ने इतर तेल फलेल लान ने ए महाराज चलो, बहुत बढ़िया तैयारी है आपके स्नान की। वैसा केस है वो चंदन चौकी बिछी नहान ने इतर तेल फले लान ने, चंदन चौकी बिछी नहान ने इतर तेल फले लान ने, बढ़िया टिकिया से कई डाल की ओ खुशबाई भरपूर चमेली डाल की, चंदन चौकी बिछना तर तेल परे लाल ने, बढ़िया टिकिया से कई डाल की ओ खुशबाई भरपूर चमेली डाल की, चंदन चौकी बिछना चौकी बिछी नान में इतर
तेल फलेल लानने बढ़िया टिकिया कई ढाल की खुशबोई भरपूर चमेली डाल की। हे महाराज आपकी सेवा में सेवादार तैयार खड़े हैं, आप स्नान करिए। पहली कली में क्या कहता है क्या बताओ। जल सिद्ध कलश से कर्म शरद से भरे सिद्ध कलश से गंगा जल के सेवा में सेवक त्यार खड़े स्नान करो मल मल के सेवा में सेवक त्यार खड़े स्नान करो मल मल के। लड़के चाले खूब फवारे कण चोगे अजब नजारे करते चाले खूब फवारे देखण जोगे अजब नजारे जैसे शोभ्या सुवन ताल की पूरे चमेली दाल की सरगन चोखी बिछेना तेल फले लान में भैया से कई दाल ओ सरोई भरपूर चमेली दाल की सरगन चोखी बिछेना ओ हो 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 ये हमारे छोटे भाई बहुत अच्छे साथी कलाकार अभ्यास करते रहे आगे बढ़े। हमारी भगवान से प्रार्थना बाबू चांदू दास से भाई रिक्की कौशिक सिरसा घोगड़ा गांव से सूर पे समान समान देते हैं बार बार आशीर्वाद। दूसरी कली में हे महाराज गरम शरद से भरे धरे से शुद्ध कल से गंगा जल के सेवा में सेवक प्यार खड़ो स्नान करो मल मल के नलके चल खूब फवारे देखन जोगे अजब नजारे जैसे शोभ्या सरोवर ताल की। हे महाराज एक बार चल के तो देखो क्या कहता डोरीवान। पोशाक नए नए सन की और करो इशारा कहो मारे दरेश जोन सी मन रही करो इशारा कहो मारे दरेश जोन सी मन की तनकी शोभ्या पड़ जा थारी कैया ये दूती मारी शोभ्या शोभ्या पड़ जा थारी रोज की नाई दूती मारी मन चाना ना धनी माल की बोलबोई भरपूर चमेली दाल की चंदन चोटी बिछी दान तेल फले दान बढ़िया टिकिया से कई दाल की बोलबोई भरपूर चमेली दाल की चंदन चोटी बिछी दान स्नान पसंद करो पोशाक नए नए सन की और करो इशारा कहो मारे ते ड्रेस जोन सी मन की वही पोशाक लेकर दे देंगे जो आपको पसंद हो तन की शोभा बढ़ जा थारी बस इतनी ड्यूटी मारी हम नचा नाना धनमाल की खुशबोई भरपूर चमेली डाल की न वही फिर के करना है। हे महाराज नहा धोके स्नान करके
प्रभु का भजन करके और इंसान को कुछ दान पुण्य करना चाहिए। धन की गति दान बताई है लोगों। हे महाराज, कुछ ब्राह्मण द्वार पर आ रहे हैं, उनको दान करो, आपका स्नान सफल हो जाएगा। क्या कहते हैं? क्या मंत्र की बाणी वले प्यार वार के पानी ठावे वेद मंत्र की वाणी पीवे वार वार के पानी धारी हो जा उम्र घने साल की भरपूर चमेली दाल की चंदन चोटी बिछना इंदर तेल भले लाने बढ़िया किया से कई दाल की चबाई भरपूर चबेली दाल की चंदन चोटी बिछना हे महाराज, जिसको दान दिया जाता हो वो हमेशा कुशल मंगल की कामना करता है, आशीष देता है। सज धज के तैयार करो पुण्य दान, ब्राह्मण आ रहे, कौ वस्त्रो धन दौलत की बैठे आशा ला रहे। कभी राजा नहा धोके आओगा, कुछ दान पुण्य करेगा। थारे वेद मंत्र यज्ञ वाणी पीवा वार वार के पानी, महाराज दुआ करेंगे। क्या की थारी उम्र हजारों साल की, फिर हे महाराज फिर राजगद्दी संभालो। क्या कहते हैं भाई? मान सम्मान करते, बार बार धन्यवाद। आखिरी कली में राजा का दर्जा क्या होता है? क्या कहा? राजा हो से राजा सारे परचा हो, राजा सारे राजा हो से राजा सारे परचा। परचा चाहिए धर्म कर्म का हो जा, परसा पास भरम का चाहिए धर्म कर्म का परचा हो जा, परता पास भरम का फांसी कट जा चूल्हे में तार की। खुशबोई भरपूर चमेली दाल की चंदन चोटी बचना इधर तेल भले बढ़िया से गई दाल की। खुशबोई भरपूर चमेली दाल की चंदन चोटी बोले बाबा चंदुदास महाराज की। कह रो तान सिंह ईश्वर के तुल हो राजा का दर्जा, प्रजा के सार है राजा हो से राजा सार है प्रजा। नर्जा धर्म कर्म का चाहिए, नर्जा चाहिए धर्म कर्म का हो जा, पर्दा फांस भ्रम का या फांसी कट जा जुल की। हे महाराज,
स्नान करो चल करके। हमारे आदरणीय गुरुजी बलजीत जी मान सम्मान देते हैं, 100 रुपए से बार बार धन्यवाद। और भी मेरे भाइयों ने मान सम्मान दिया, उनका भी बार बार धन्यवाद। दीवान हाँ महाराज, भाई बिल्कुल तैयारी, महाराज बिल्कुल तैयारी, चलो गोपीचंद स्नान करने की तैयारी करके और चल पड़ता है। और कैसे चलता है, क्या कहा और क्या बताया, जट गया महल में और कसर नहीं थी चहल पहल में। अरे नौकर चाकर खड़े टहल में खड़िया नान की प्यारी में। निकलिया मोती जैसे निकलिया मोती। इतना सुंदर शरीर बताते हैं गोपीचंद का, श्रवण कैसी काया है। एक वस्त्र तारे उतारी धोती जैसे शीप में निकलिया मोती, और जिसने भी देखा वो चकित रह गया। और ज्योति रूप स्वरूप निराला जैसे उजाला दर्शन करे कोई बाका यारा ना दूजा दुनिया तारी में। गोपी चंद जट गया महल में कसर नहीं थी चहल पहल में। नौकर चाकर फिरे टहल में बड़े मान किया आई में। ए रश्याना अकल मंदी ओशिया उसन का खिल रहा था गुलजार, उसन का खिल रहा था गुलजार। उनी यार देख चंदा शर्माया चंदन वदने कंचन काया पार ब्रह्म नर खूब बनाया कसर नहीं होशियारी में। सज्जन इंसान की एक खास पहचान होती है, जो सज्जन इंसान होगा वो बड़ा कम बोलेगा, ज्यादा नहीं बोलेगा, काम की बात करेगा। बताते हैं कुछ ऐसी ही खासियत राजा गोपीचंद के अंदर भी थी। एर सुंदर छवि सकल अनमो कवर के कवल नैन मुख गोल, कवर के कवल मुख गोल। और बोल रसीला कमती बोले
अमृत रस मिश्री से घोले, जैसे भवरा फूल पर डोले उसके सर की प्यारी में गोपी चंद महल में बस नहीं थी महल में नौकर चाकर घर टहल में तेरा नान की यारी ईश्वर की लीला बढ़ दिया बाता छेल छबिला बढ़ दिया बाता छेल छबिला शर्मिला तोरे अच्छा कतन्यारी अष्ट पुष्टि दिखे बलधारी हो बाकी ममता हो सन्यारी रही बैठी दे अमारी में रे 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 नौकर चाकर फिर पहल में खड़ा नान किनारी बाबा चांदूदास महाराज की बहुत मान सम्मान किया मेरे आदरणीय भाइयों ने नाम नहीं बताया बार बार धन्यवाद करता हूं धन्यवाद धन्यवाद कह रोहतान सिंह ईश्वर की लीला गढ़ दिया बाका छैल छबिला शर्मिला त्योर नजाकत प्यारी हस्त पुष्ट दिखे बलधारी और माँ की ममता तो होसे न्यारी वह रही बैठी देख अटारी में सजनों गोपी चंद का ध्यान नहीं स्नान करने के लिए चौकी पर बैठ जाता है वस्त्र उतार करके और जैसे ही वस्त्र उतार कर चौकी पर बैठा तो गोपी चंद की कड़म में एक बूंद आकर लगी आज जब बूंद लगी गोपी चंद ने सोचा इतना तो पानी का गिलास गिरा भी कोने है या बूंद कड़त आ गई चौकर तो गोपी चंद लखाया ऊपर नजर नहीं गई बताती मन में चिंता होगी भाई आकाश भी साफ सुथरा सब कुछ या बूंद कड़त आई सचाला कड़ो या बताते डोडीवान को बुलाता जो साथ में खड़े हुए थे सेवा में हाजिर बोला रे डोडीवान हाँ महाराज हुक्म करो बोला हुक्म कोने भाई एक तसल्ली गालनी है महाराज क्या की तसल्ली पानी कमना हाथ भी कोने लाया से या बूंद कड़त आ गई सी के चाला हो गया क्या कहते हैं क्या होता है हो मेरा गया बूंद पे ख्याल राम की मेरे हो रहा घना मलाल राम की ख्याल राम की सो मेरे हो रहा घना मलाल राम की मेरा गया बूंद पे ख्याल राम की सू मेरा मन में घना मलाल राम की सू बैठो दीवान इबना आया नहीं जागा हे महाराज सारी तैयारी हो रही क्यों नहीं नाया जा पहले भेद पाड़िया बूंद कड़त आई से फिर नाऊंगा पहली कली में देखना कितने सुंदर शब्द कविराज जी ने लगाए हैं क्या कहता है राजा गोपी चंद काली पीली हो काली पीली अंबर के मां घोर गट्टा घनकोर
मौसम के अनुसार बोलते दादू पपैया मोर कौन बादलों का आना जाना गर्जना का शोर कौन बादलों का आना जाना गर्जना का शोर बादलों का आना जाना गर्जना का शोर कौन काल राम की सो मेरे मन में खड़ा पहलाद राम की सो राम की सो खड़ा पहलाद राम की सो मौसम खराब हो रहा हो तो जच भी जायका दी बूंद राम जी ने गेर दी हो मौसम भी साफ सुथरा है काली पीली अंबर के मा को गनघोर घटा घोर कोन्या मौसम के अनुसार बोलते दादू पपैया मोर कोन्या और बादलों का आना जाना गर्जना का शोर कोन्या मी का तो कोई ढंग को नहीं लागता है आई कड़त है मेरा हो रहा सजी काल राम की सू मेरे मन मगना मलाल राम की सु हे महाराज और के मेरे या चीज भी कोना लागती कौन सी मान मान जान बिरंगी तारी को जानी को लागी बूंद आके दो दीवार जानी को लागी बूंद आके दो दीवार जानी को चाल राम की सो मन में घन भगवान राम की सो बलाल राम की सो अरे डोडीवान हाँ महाराज हमारे आदमी क्या उनके समान समान करते बार बार धन्यवाद अरे कोई बरसात का मौसम भी कोन्या जो भाई सामने की जड़ी लाग रही हो कुछ ना कुछ भेद है तवड़ा जर कुछ पता कर क्या खबर लगा क्या कहते क्या बात हुआ बरसात नहीं उसका भी पानी कोना मौसम दिखे बात हुआ बरसात नहीं उसका भी पानी कहीं साफ सुथरा मौसम दिखे बावला की झड़ी आस पास तरवर बूंद जारी कोने आस पास वृक्ष बूंद तरवर से भी पड़ी कोने आस पास बूंद तरवर से भी पड़ी कोने ओ कमाल राम की सो मेरा गया कमाल राम की सो ओ मेरा बूंद कमाल राम की सो मन में कमाल राम की सो राजा गोपीचंद कहता है डोडीवान को के बात हुआ बरसात नहीं सामन की भी जड़ी कोन्या साफ सुथरा मौसम दिखे कोई बादली भी चढ़ी कोन्या आस पास वृक्ष बूंद तरवर से भी पड़ी कोन्या कड़त आई ऐसी ओया मोटा जुलम कमाल राम की सू मेरे मन में उठन जाल राम की सू हे महाराज कि आज तो पहले ऐसा जुलम होया नहीं रवे आज तो पहले कदे ऐसा चमत्कार नहीं होया मेरे वेला
और जब तक इसका भेद नहीं लग गएगा इतना नहाऊंगा नहीं, डोडे वाहन भी चक्कर में पड़गा भाई, अच्छा काम हो आज तो, इसकी तो सेवा में यही रहना पड़ेगा राजा की सेवा में। हे महाराज पड़की होगी किते तो बूंद, आगी होगी किते तो बूंद, रनू नहीं क्या कहते हैं। सर्वरताल कोना परवा पे स्वाभा नहीं मान सुन चाल कोना परवा पे स्वाभा नहीं मान सुन चाल कोना परवा पे स्वाभा नहीं मान सुन चाल कोना खबर लगा रात काले राम की सुन थोड़ा घर बना ले राम की सुन लाल राम की सो बोलिए बाबा चांदूदास महाराज की। कह रो तान सिंह इस ते पहले देखा यो कमाल कोन्या, पक्षी तक भी दिख नहीं धोरे सरोवर ताल कोन्या। अरे एक बात और, जब बाल चालती हो किसी झाड़ी पर कोई बूंद अटक रही हो वह बाल के गिल आ जा वो भी मौसम कोन्या, पर वह पछुआ बाल नहीं मान सुन चाल कोन्या। जा खबर लगा तत्काल राम की सू, मेरा मन में होया मलाल राम की सू। डोडीवान जितना जल्दी हो तेरी ये ड्यूटी है, जा करके इस बूंद का पता लगा ये कहां से आई है। मेरे भाई मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद धन्यवाद। बताती हाँ ये तो सच्चाई है जी, एक बार जोरदार ताली, या तो एक नहरी गाऊंगा फिर गुरुजी मैं पूरी है हैप्पी बर्थडे वाली। तो सजनो बताते हैं डोडीवान राजा गोपीचंद का आदेश मान के और महलों के चारों तरफ तलाश करता है, कोई ऐसा माहौल हो, कोई ऐसा मौका हो, कोई ऐसा मौसम हो कि भैया बूंद आ जा। जब चौगरदा चक्कर काटे चारों तरफ लखा कर डोडीवान की नजर अचानक महल के छज्जे पर चली जाती, और जब महल के छज्जे पर नजर गई डोडीवान का मुंह न्यू का न्यू रह गया ऊपर न खड़ा खड़ा नू न देखो ऊपर न, जिसने भी देखा बोला भाई डोडीवान का क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि डोडीवान का समझ में नहीं आ रही कि एक राजा गोपीचंद की मां मैना वंती और उसकी आंखें मासूम चिंता में पड़ी। देखिए नु का आग्रह जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, उसकी मां का हाल वो डोडीवान अपने मन में विचार करता है या क्या के सोच रही होगी, के सोच रही होगी या क्या गोपी चंद की शान लागी नैनाते जड़ी कौन सी झड़ी, ऐसी झड़ी लोगों अपने बेटे को नीचे चौकी पर बैठे हुआ देख के जो मैनावंती की आंखों से आंसू पड़े वो आंसू गोपीचंद की कड़पा के पड़े। देखते गोपीचंद की श्यान लगी नैनाते देखते गोपीचंद की श्यान लगी नैनाते गोपीचंद की जान लागी नैना ते झड़ी
माँ का ध्यान गोपी चंद में, लेकिन गोपी चंद का ध्यान माँ में नहीं, केवल बैठा बैठा नु सचया कड़त आई से कड़त लगी से। पहली कली में उसकी माँ के विचार देख रहा कवि ने क्या दर्शाए, के सोचन लाग रही होगी वाह। डाल दिया मोमता न डोरा पूत मेरा चंदन कैसा बोरा, डाल दिया मोमता न डोरा पूत मेरा चंदन कैसा बोरा, गोरा रूप देख गया ध्यान, रूप देख गया ध्यान पत्ती पे जाके सूरत अड़ी देख गोपी चंद की मान लागी ऐना तन ओ देख गोपी चंद की जान लागी ऐना तन जली ओ हो ओ देख गया ध्यान, गौर करियो कविता ही, गोरा रूप देख गया ध्यान पति पचा के सूरत अड़ी, फिर गोपी चंद ना दिखा उसने अपने पति को याद करती है राजा पद्म सेन को, के इतनी सौरन कैसी काया थी उसकी, वह भी मट्टी में मिल गई। आड़े ते मैनावंती का मन में एक बहम हो गया, अगर जय बेटे ना अमर करा दूं तो यो बच जाएगा ना, तो या काया भी माटी में मिल जाएगी, के सोचन लागी। भूल की सब सुख आनंद चैन बादल जू बरसन लागे नैन, भूल की सब सुख आनंद चैन बादल बरसन लागे नैन, वो पद्म सेन विद्वान किले की बुरज खड़ी की जान लागी तेरा तेरे जीतू मान हेरू सोर पे सोर मान समान देते बार बार धन्यवाद धन्यवाद। डो दीवान खड़ा खड़ा लखावे वा मैनावंती कदे तो रोन लाग जा कदे बेहोश हो जा। डो दीवान का मन में विचार आया कदे यार राजा गोपी चंद की माँ
पागल तो नहीं होगी है, कदे किसी ने इसके खाने में भांग मिला दी हो, कदे चक्कर आ जाया छज्जे पर पड़ जा। कहते हैं कि अब्बा खो बैठी खुद आप, बेटा जागा जड़ गया बाप। काप की शरीर होया गलतान, मुर्छा मुर्दे ज्यो पड़ी, और जब चेत आया तो झटके तक खड़ी होगी के क्या सिंह मुर्छा सी टूटी मैं ना बनती जट से मुट्ठी। गहरो सिंह मुर्छा टूटी मैं ना बनती जट से मुट्ठी। ओ बूटी दे दे को भगवान, ओ बूटी दे दे को भगवान, पूत की खातिर अमर जड़ी गोपी तक किसान लगी जन्ना जड़ी। बोलिए बाबा चांददास महाराज की जय हो, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कह रोहतान सिंह मूर्छा सी टूटी मैं अवंती जट से उठी, और उठ के प्रार्थना करती है परमेश्वर के सामने, हाथ जोड़ देती है और मन मन में के बूटी दे दे कोई भगवान, पूत की खतर अमर जड़ी। देखी गोपी चंद की शान क्या बात है, इसका मतलब बड़ा गौर से सुन रहे हो आप, बहुत अच्छी बात है जी, ताली लगा दो जी। बोल बाबा चंदुदास की, मन में विचार करके ओडो दीवान कुछ बोलिया नहीं, देख के उस छज्जे के हालात, और वहां से डोडीवान चल पड़ता है, और जाकर के राजा गोपी चंद से नुकरने लगा, महाराज एक नजारा देख के आया हूं। मतलब कौन सा नजारा? हे महाराज मन तैसा लागे से आपकी मां मैना वंती कोई ना कोई गहरे दुख में है। क्यों भाई? हे महाराज उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। मतलब मेरी मां सह कड़े तने कड़े देखी, मेरी मां यो हाल कड़े देखा तने, देखना छज्जे का हाल, और वहां चौकी के पास आकर के बताता है डोडीवान ने, महाराज मन तो यो हाल देखा। कौन सा? क्या कहता है? देख अटारी खड़ी लगने नाते जड़ी, मेरी नजर पड़ी और अकाले घड़ी मन में अटारी खड़ी लगी झड़ी, मेरी नजर पड़ी होली काल घड़ी मन में अटारी खड़ी काले घड़ी मन में।
थीवा बोत घणी उदासीन दिखे थीवा बोत घणी उदासीन। महाराज ऐसा लागत था कोई बहुत बड़ा दुख पड़ा हुआ है। भाई क्यों लग गया कि महाराज उसकी आंखें मासू किसे तब बोल लेना चाल लेना उसका ढंगी सा लग गया कोई भी तरले की कर्ज में चोट लग रही है। वो दिन का बहुत घनी उदासीन और मलीने भेष लगी खोल के सके लगी थे से कोई राज्य पाठ धन में दारी करी मेरी नजर पड़ी हुई काले घड़ी मन में नजरी मेरी नजर पड़ी हुई काले घड़ी मन में किसे की कही सुनी ना गुनती किसे की कही सुनी ना गुनती और सुनती ना रूप के दर मरे कैसी के चलो बिजली पड़ी घन में महाराज मने एक बात और लगी उसकी हालात देख के कुर्सी के जनुआ सोधी में कोन्या बेसुद हो रही सवा सोधी में कोन्या। मेरे गोपी चंद समझाता है कि डोडीवान जबान संभाल के बात करना वो मेरी माँ है एक राजा की माँ है उसने के दुख हो गया ऐसा। महाराज मैं के बताऊ मैं के जिसा देख का है सुना वो बताऊ रो रो करती रुदनी बिलापे थर थर काप रहा था काद वो थर थर काप रहा था काद के श्राप मिला के गिला के शिकवा गिला उसने उसे नहीं तन में देखा तारी करी लगी नजरी वो मेरी नजर पड़ी होरी काले घड़ी मन में हे महाराज आप बता दे क्यों रोव थी नारे बावड़े मैंने मेरी माँ की सूरत नहीं देखी आज तू रोन की बात कर रहे। महाराज मैंने उसते तो पूछी को ना मत आप ते पूछ सकूं क्यों रोव थी। ओ गैरो तान सिंह रोवे यूं जननी माई मेरे यहाँ बात समझ में आई ओ
पड़ी होरी काले घड़ी सिंह समझ ना आई क्यों तेरी रोवे सजननी माई कि राही धर्म की छुटकी क्रम की कोई भूल भरम की भांग पड़ी न मैं। हे महाराज दो दीवान ये बात सच्चाई है। मेरा महाराज मना जी सा देखा उसा बता दिया बताते राजा गोपी चंद का मन में बड़ा फिक्र हो जाता कि मेरी मां ने इसी के चिंता होगी जो रो रो कर उधन मचावे। बताते राजा गोपी चंद की नजर भी छज्जे पर चली जाती और जब छज्जे की तरफ लखाया तो देखा उसकी माँ मैनावंती बहुत दुख में नजर आई, बड़ी उदासी नजर आई, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे और वही आंसू गोपी चंद की कड़ पर पड़े। बताते अपनी माँ के पास पहुंचा, नुक्कड़ लगे, अरे माँ क्या का दुख से के कारण से तू जो रोन लग रही? हे बेटा कोई कारण नहीं, अपने बेटे को देख करके आंसू पोंछ लिए मैनावंती ने कि मां कोई ना कोई दुख तो जरूर से। बताती बहुत जिद करी गोपी चंद ने, गोपी चंद का यो शक हो गया किसे दासी बांदी ने किसे नौकर चाकर ना कुछ उल्टा सीधा कह दिया और ये भी शक हो गया कि हो सकता है तेरी मां तेरी सेवा से प्रसन्न ना हो। नौकर लगे, अरे मां मैं आज्ञाकारी सुत हूं, जब मेरे से कोई गलती हुई हो तो मैंने माफ करना, लेकिन मां से बड़ा भगवान मां से बड़ी कोई शक्ति इस दुनिया में होती नहीं। उदाहरण देता है, अपनी मां से पूछने की कोशिश करता है, अरे मां मैं कुपात्र में तो नहीं हूं, बोल अगर मेरी कोई कमी है तो मैं चरणा में खड़ा हूं, आजीर गुलाम बनकर खड़ा हूं। अपनी मां से एक बात के द्वारा गोपी चंद क्या कहता है, क्या होता है? बेटा कोई बात ना, मां से कुछ ना कुछ बात। हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है गोपीचंद अपनी मां के सामने, तो क्या कहता है? मात पिता गुरु शरण में आज्ञाकारी और उस बेटे का के सुख हो से जिसकी दुखिया महतारी। मात पिता और गुरु शरण सुते आज्ञाकारी और उस बेटे का के सुख होगा जिसकी दुखिया महतारी। मात पिता और गुरु शरण सुते आज्ञाकारी उस पुत्र का के सुख होगा जिसकी दुखिया महतारी। गौर करना लोगो, गोपी चंद अपनी माँ के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होया कि माँ मात पिता और गुरु शरण में रहते सुत आज्ञाकारी उस बेटे का के सुख होगा जिसकी दुखिया मैं तारी। और मैं तो आखिर न राजा हूं, जब मेरी माँ दुखी होगी तो फिर प्रजा ने के शिक्षा दूंगा। माँ का बहुत बड़ा दर्जा होता है, कहते
जिंदगी भर भी माँ का कर्जा नहीं उतरता। चमड़े की जुत्ती बना के पढ़ा दो अपनी चाम के अपने शरीर की तो भी माँ का कर्जा नहीं उतरता। गोपी चंद क्या कहता है क्या संजोग बना के ओ रज वीर्य का संजोग बना के हर ने त्यार करया सूतरी नौ भिन्ने तक रह गर्भ में फिर जन्मती मां पुत्र और अपने ऐस आनंद छोड़ के पड़ी रहे मां मलमूत्र व गोद खिलावे चले गुडलिए श्याणा हो जा उतरे गोल खिलावे चले गुडलिए श्याणा हो जा उतरे और उत्तर से उत्तराधिकारी उत्तर से उत्तराधिकारी अरे चरण कमल बलिहारी और उस बेटे का तेज गोल जिसकी दुखी मैं इतना कमजोर भी कौन है जय किसी ने कि मैं कह दिया हो उसके शरण तार लूंगा। नो कहन लगी रे बेटा किसी ने कुछ ना कहा तेरी आंखें मां सुखी से मैं सारे तरीके जानो सू बताते। गोपीचंद अपनी मां से पूछने की कोशिश करता है कि मां ये मत भूल मैं किसका लड़का हूं सारी विधि सारे तंत्र मंत्र सारे जानो सो एक बांगली कर दे तेरे ताई किसने उल्टा बोलिया क्या कहता है पद्म सेन की राही चल के दूध पानी छानू सू सत की सांस धर्म की बाणी शुभ कर्म का सब बखानो सू तेरे लगी चोट कर इतनी भी मैं जानो सू तेरे लगी चोट कर इतनी भी मैं जानो सू आपस के माँ बोले बिन माँ आपस के माँ बोले बिन माँ मैं परम भरोता भाई उस पुत्र का के होगा जिसकी दुखी भाई तो मात पिता गुरु शरण हो राजेश मैया क्या भारी उस बेटे का के होगा जिसकी दुखी भाई कविराज जी रोहतान जी सोच पे से आशीर्वाद देते बार बार धन्यवाद। देखिए कवि हो कलाकार हो पहलवान हो इनके पीछे सबसे बड़ी शक्ति अपने गांव की होती है। आज हमें भी बड़ी प्रसन्नता है कि कम से कम अपना इतना समय
समाज की सेवा में लगाते, समाज के मार्गदर्शन में लगाते ना। तो आजकल ईसा भी बहुत चल रहा है, घर न टिकट पाड़ेंगे, चौपाड़ में जाके ताश खेल लेंगे। अपने जीवन को समाज को समर्पित कर दिया, साधु संतों में रहना, अच्छी शिक्षा लेना, अच्छी शिक्षा देना, अपना कर्म बनाया कविराज जी ने। रोहतान जी 100 रुपए से मान सम्मान देते, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। माँ एक बात और बता दे मने, बेटा कौन सी सच्चम साथ बचा दे। मां आखिरी बार पूछूं, बेटा कौन सी से आसन की कोशिश कर मैं ना बनती। अगर बेटे ने तेरा मन का भ्रम मन का भेद बेरा नहीं पाटना चाहिए, लेकिन वो कहा कर लोगो जो आज्ञाकारी सुत होते हैं, मात पिता के दुख सुख में साथ खड़े होते हैं, जो असल मातृ पितृ भगत होते हैं, पहचान जाते हैं। क्या कहा, के नौकर चाकर दासी बांधी ने, चाकर दासी बांधी ने, कह दिया बोल कर दकामा, के दुश्मन ने बोली मारी, छुप गया सिर दर्द कामा, केसन पाती होया तयामा, लगे जो काल गया सर दकामा, तेर कर मत जल्दी कह देना दत्ता जोस मरद कामा, ओ तेर कर जल्दी दत्ता जोस मरद कामा, और बिन बोले रही प्राण त्याग, बिन बोले रही प्राण त्याग, केला की जिस्म दुखा उस बेटे का के सुखो जिसकी दुनिया में तारी बात पिता और गुरु प्यारी, उस बेटे का के सुखो जिसकी दुनिया में तारी। खड़ा गुलाम शरण में बेटा गोपी चंद माता, और ज्ञान दीप दे चास रोशनी कति खड़ा सुअंध माता, और समझनिया के पार लकड़ जा रोहतान का चंद माता, और समझनिया के पार लकड़ जा रोहतान सिंह का चंद माता, बिन समझे कौन बेटा किसका, बिन समझे कौन बेटा किसका, कौन माता पूत पुजारी उस बेटे का के सुखो जिसकी दुनिया में तारी, और गुरु चरण में रहते सुनाता पाए उस बेटे का के सुखो जिसकी दुनिया में तारी। चांदुदास महाराज की, बोल शंकर भगवान की।
भाजी वो बहुत बढ़िया। ये तो मैंने कहा है कि ये समय भी ऐसा होता जिसमें लोग ताश खेलते, लेकिन अपनी कलम से अपनी लेखनी से समाज को रास्ता दिखाने का काम कविराज रोहतान जी करते हैं। देखिए 15-16 साल हो गए गुरु जी मैंने दादरी रहते और कविराज जी तक खूब नाम जाने करते बस रोहतान जी। और फिर मैंने सोचा करता है नाम रोहतान गलत से किसी का, किसका है यो नाम, क्यों रोहतास होना चाहिए नाम, मतलब सोचा करते बात। लेकिन जब कविराज जी से मिला, हाँ हाँ रोहतान जी ऐसे नाम भी बहुत विरले मिलते हैं, जैसा नाम है वैसी ही अटके इनकी सोच है, वैसी अटके इनकी कविताई है। मैं सलाम करता हूँ इनकी कविताई को, बड़ा बड़ा धन्यवाद जो अपने गुरु को बड़ा महत्व देते हैं। श्री कर्ण सिंह सतगुरु की दया तक कट जाए यम के फंद माता, आजर खड़ा गुलाम शरण मतरा बेटा गोपी चंद माता, ज्ञान दीप दे चास रोशनी मकती खड़ा सु अंध माता, समझनी गप्पार लकड़ जा रोहतान सिंह का छंद माता। मैं इतनी बात है किसी और न कह दू तो बड़ देसी बता दिया के बीमारी है, बिन समझे कौन बेटा किसका कौन माता पूत पुजारी, उस बेटे का के सुख होगा जिसकी दुखिया मैं तारी। रे बेटा कितनी बात कर ले, क्यों टेम खराब कर रहा है, स्नान कर ले, मेरे तय किसी ने कुछ नहीं कही, मां मानो को नया बात बताते हैं, जिद्दी कर लेते हैं राजा गोपीचंद। जब तक माँ का भ्रम ना फूटे, माँ के मन की बात बेरा ना लगे, इतना स्नान ध्यान गान कुछ भी अच्छा नहीं लगा। मन में विचार करके और बताते हैं, हाथ जोड़कर अपनी माँ से सवाल करता है और एक भजन के माध्यम से क्या कहता है, माँ बता क्यों बैठी रुदन करती माँ अटारी, दिल का भेद कहो खोल जरा, क्यों बैठी रुदन माँ करती अटारी, दिल का भेद कहो खोल जरा, किस रंजी पकर में मासु पक रही, बेटे गोपी चंदे से बोली जरा। हे मां बोल पड़े, अरे बेटा कुछ नहीं, तेरी कसम मां जब तक नू नहीं बता लेगी ना के बात हो रही, मारता लूंगा नहीं। क्यों बैठी रुदन माँ करती अटारी, दिल का भेद कहो खोली जरा, ओ किस रंजे पकर में मासु पक रही, किस रंजे पकर में मासु पक रही, गोपी चंद से बोली जरा, ओ क्यों बैठी माता उदन करती धन करती माँ अटारी, दिल का भेद कहो खोल जरा, किस रंज फिक्र में सुपक रही, माँ गोपी चंद से बोल जरा।
हे माँ मेरी काया भी जलन लाग रही है, जब तक तू बात नहीं बतावेगी ना अपनी माँ से। राजा गोपीचंद अरे बहुत याद ने मेरे बड़े भाई आर के म्यूजिक कंपनी यूट्यूब चैनल भाई पवन सांजरवासिया जी सो पैसे मान सम्मान देते बार बार धन्यवाद। अपनी माते के कण लागे के होगी या काया भस्म होगी वो खुशियों में गमी ये कैसी रसम वो खुशियों में गमी ये कैसी रसम से तू मुझसे बोली जरा पर बैठी धन तू करती माता कहो तुम बोल जरा वो किशोर मासू बक रही वो किशोर बात कहकर गोपी चंद ने अपनी मां का हाथ देखा नुकाग्र चिंता में फूल जो आदमी चिंता होगी ना धड़कन बड़े उड़ी पाओगी नुकन लगेरी मां तेरा तो यो हाल हो रहा है एक तरफ नहीं साला गजन मरण ना हो रही है तू कोई ना कोई बात जरूर है मैं तेरा बेटा हूं मेरा श्यामी बोल क्या कहता है नाड़ी थमती नहीं सांस चलती नहीं तेरे नैनो की पुतली या हिलती नहीं मेरा लेके सहारा तू बोले बैठी मैया उधर करती तारी जी बाबा शेरू नाथ जी बहुत आशीर्वाद पहले दिया सौ रुपए से और मान सम्मान करते आशीर्वाद देते हैं गुरु जी के चरण बार बार आदेश प्रणाम हरिहर हे माँ
नाड़ी थमती नहीं, सांस चलती नहीं, तेरे नैनों की पुतली मां फिरती नहीं, और तेरे पुत्र की तो कोई गलती नहीं। मां बता दे मैं, अगर मेरी कोई गलती हो तो। हाथ पकड़ के अपनी मां का और मन बहलाने की कोशिश करता है कि तेरे पुत्र की तो कोई गलती नहीं, मेरा लेके सहारा तू डोल जरा। बताते बचपन में माँ बाप बेटा बेटी को अपने बच्चे को हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं। वो गोपीचंद कोशिश करता है, माँ तू घनी उदास है। तीसरी कली में गौर करना लोग क्या कर? केवल फर्ज, अपनी शिकायत तू करा दे दर्ज। अगर कोई शिकायत हो अपने बेटे से, मुरझाया बदन के लागी मरज, उस मरज दवा का मोल जरा। हे मां उसकी कौन सी मरज है तो तेरे कलजे में बैठ गई, उसकी दवा का मोल बता, मैं बल्या के दूंगा। आखिरी में तेरी सेवा में खड़ा हूं, अपनी मां से क्या कहता है। कोई दरबारी लड़ो रो संध्या बहादुर जन कोई दरबारी लड़ो लेके मैं तो कटारी तारुशी से धरे लेके मैं तो कटारी तारुशी से धरे लेके सत्यता नर्जा पूरा तो चांदूदास महाराज की। रोहतान सिंह खड़े छंद अरज जड़े, क्या दुर्जन कोई दरबारी लड़े।
हे माँ किसी ने लड़ाई कर ली हो तेरे साथ में, ले के कटारी तारों शीश धड़े सतका नर जाले पूरा तोल जरा, बेटे गोपी चंद से तो कुछ बोल जरा। बहुत प्रार्थना करी बहुत मन्नत करी लेकिन गोपी चंद की माँ मैनावंती नुकन दे रही, बेटा हुआ है बात कुछ भी तो को न्या, माँ कुछ ना कुछ तो जरूर से बताती। जब बहुत जबरदस्ती करी बहुत ज्यादा पीछा किया बहुत ज्यादा गोपीचंद ने दबाव डाला, क्यों बार बार गोपीचंद के मुंह से एक बात आओ कि माँ किसी नौकर चाकर ने कि मैं कह दिया हो, किसी दासी बानी ने कुछ कह दिया हो, बेटा कुछ ना किसी ने कुछ ना कहा, और तेरा जे तेरे यो शख्स है तो मेरी एक बात सुन ले, जग ही नहीं लड़ी दासी न बांधी बेटी बहू ना कोई घर चली। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो तू सोच रहा है, सारी सेवा बात जन लाग रही है, सब राजी राजी बोल से मने किसी चीज की कमी को ना। लड़ी दासी ना बांधी ना बेटी बहू ना घर में को बेटी बहू अरे मैं चली ओ बेटी बहू घर में राधे चली वो हाजिर नाजिर खड़े शरण में सेवक ताबे दारी खड़े वक्त पे मुजरा कीनी सभी ने शीश झुकाए परचा खड़ी दासी बेटी बहू घर में ओए चली। गोती नाती कुटुंब कपिला कुशल मंगल कोई कमी नहीं हो, कुशल मंगल कोई कमी नहीं। बेटा सब कुछ ठीक है सब कुछ ठीक है, मामन ने कौन लागता ना संकट कोई राज में मेरी आनंद ते रही प्रीत घड़ी बेटी बहू घर में को सेनापति रक्षक तने छ
खेल सिपाही सुर में दहशत ना किसे बात की चोकर के पोचे बेटी बहू चली बेटा मैं एक राजा की माँ हूं, सिर के ऊपर ताज है, मन किसी की परवाह भी कोने, मैं किसी से डरती भी कोने, मां मन तो ऐसा लागे है बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। कहरो तान सिंह सिर ताज आज परवाना किसे मुल्क की लाठी की परवाना किसे मुल्क की तेरा रूप सलोना देख बदल डटती न लागी नैना चली आती बेटी बहू ना घर में को डटे चली गड़ी दासी हो बेटी बहू ना घर में को सिंह सिरताज आज मन परवाना मुल्क की लाठ की तेरा रूप सलोना देख बदन डटती न लागी नैना जड़ी लड़ी ना दासी बांधी ना बेटी बहू ना घर में कोई राड छड़ी गोपी चंद का तसली ना बैठी कि माँ झूठ बोला है। रे बेटा झूठ नहीं से कोई दिक्कत नहीं कोई परवाह नहीं मैं ठीक ठाक सु फिर माँ रोव क्यों थी आज के बोली बेटा कोई बात कोने कौन के समरोम थी इतनी बात का विश्वास करके गोपीचंद कि अपनी माँ अपने मुंह से ये कह रही है कि मैं राजी खुशी हूं एक डर उसका दूर हो जाता है गोपीचंद का और मन में अपनी माँ के सामने खड़ा होके क्या कहता है क्या बताऊं सुनी माँ आनंद आ गया मैं सेवा का अंदाजा लगा तनु सोची थी तेरी सेवा में कोई कमी है लेकिन तने मेरा पेटा भर दिया बात सुनी मां आनंद आ गया सेवा का अंदाजा बात सुनी मां आनंद आ गया सेवा का अंदाजा लगा एक बोल तेरा चित में खा गया रूप देख कर रोई मां रूप देख कर रोई रूप देख क्यों रोई माँ रूप देख कर रोई माँ सारी बात ठीक लेकिन तने एक बात कही है कौन सी कि तेरा रूप सलोना देख बदन
डटती ना लागी ने ना जड़ी। मान्यो बता दे मेरा रूप देख के क्यों रोई तू। मन बात सुनी मां आनंद आ गया, मैं सेवा का अंदाजा ला गया। तेरा एक बोल मेरे चित ने खा गया, क्यों रूप देख कर रोई मां। मां सब कुछ राजी बतावे से, प्रजा भी राजी, फिर रोई क्यों, क्या कहता है। खुशी हाल खुशी और ये रिश्तेदारी कुट में कबीला परिवार बताई। खुशी हाल खुशी सब रिश्तेदारी कुट में कबीला परिवार बताई। माँ एक बात और, सारी प्रजा सुखी राज में चार चांद लगे मेरे ताज में। सारी प्रजा सुखी राज में चार चांद लगे मेरे ताज में। शीश झुका रहे पूछ आज में ये चीज कोई मती खोई माँ। क्यों जाने कहोई ओ बात सुनी माँ आनंद आ गया सेवा काम ताजा लगा। देखा बोल तेरे चित में खाजा रूप देख करोई माँ रूप देख करोई माँ। कि हमारा बेटा मान सम्मान करता है बार बार धन्यवाद माँ। खुशहाल खुशी परिवार बता रही कुटुंब कबीला सब रिश्तेदारी सारी प्रजा सुखी राज में चार चांद लगे मेरे ताज में। शीश झुका रहे बूझ आज में ये चीज को कीमती होई मां। हे मां के कोई चीज कीमती सी खोगी जिसके कारण तू रो रही है। बेटा कुछ भी ना खोया मेरा दूसरी कली में क्या कहता है क्या बता। शरण में बहु ओरे बेटी दासी बतावे टहली करे से खासी। शरण बहु रे बेटी ओरे दासी बतावे करे से खासी। चराशी नहीं कोई तकरार हाजिर नाजर सब नर नार। चरा नहीं कोई तकरार हाजिर नाजर सब नर नार। सती सकी सेवकता बेदार क्यों बेल कृष्णा की बोली माँ। क्यों रूपे ओ बात सुनी माँ आनंद आ गया सेवा कार बाजा ला गया। एक बोल मेरे जितने खा जा रूप देख करोई माँ। क्यों रूप देख करोई माँ ला 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 बहुत याद नहीं ठोकर भूत सिंह नाम था ठाकुर साहब भूत सिंह सौ रुपए से मान सम्मान करते ठाकुर साहब का बार बार धन्यवाद। हमारे अंकल जी रामफल प्रजापत जी सौ रुपए से और मान सम्मान देते उनका भी बार बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। खड़े मारे रक्षक
सेनापति करे दुश्मन की पूरी गति खड़े मारे रा ओ सेनापति करे दुश्मन की पूरी गति अति भर भी बतारी ना खोट ना कोई दहशत ना कोई गोट बतारी ना कोई दहशत ना कोई गोट के लगी न गुप्ती चोट तोरी माँ बोल मेरे चंद्र खा जा क्यों देख कै होई माँ बेटा सूं मैं बार बार यही सवाल करता हूं अगर मेरे तक कोई गलती हो तो मैं तेरे चरणा में पड़ा हूं कि खड़े मारे रक्षक सेनापति करे जो दुश्मन की बुरी गति रत्ती भर नहीं बतारी खोट ना कोई दहशत ना कोई घोट और लागी ना कोई गुप्ती चोट फिर गोली मरज की क्यों तो ही री मां तने ढंग तो ही सा बना दिया जनो इब मरेगी आखिरी कली में क्या कहते हैं क्या यो रोतान सिंगे तेरा खिलौना रूप देखे क्यों रोई मेरा सलोना रोहतान सिंह तेरा खिलौना रोई मेरे रोए सलोना रोना बंद कर खोल जुबान माँ रोना धोना छोड़ दे और मैं तेरे चरणा में एक काम कर दे कौन सा रोना बंद कर खोल जुबान मती मंद ते की ए मां ज्ञान रोना बंद कर खोल जुबान मती मंद ते की ए मां ज्ञान मां ओलिया बेटे का इम्तिहान रही कसर कोई रूप देख जो रोई ओ बात चुनी तो बयान दे गया तेरा बांदा चाला गया बोल मेरे चंद ने खा जा रूप देख जो रोई माँ रूप देख जो रोई माँ बोल बाबा चंददास महाराज की यो रोहतान सिंह तेरा खिलौना यो रोहतान सिंह तेरा खिलौना देख के रोई क्यों रूप सलोना रोना बंद कर खोल जुबान मती मंद ते मा दिए ज्ञान भोत ओलिया बेटे का इम्तिहान इब कसर ना कोई इब नहीं कसर रही कोई माँ क्यों रूप देख के रोई माँ बार बार प्रार्थना करी गोपी चंद ने बताते उसकी माँ ने कहने लगी बेटा मन ऐसा लागे से किसा के जिस तरह तेरा पिता मट्टी में मिल गया उसकी सौरण कैसी काया ढहगी मने यो डर लागे से कदे मेरा बेटा भी हाथा तो ना चला जा बेटे की मोह माया में अंधी वो मैनावंती तरह तरह के विचार सोचने लगी तरह तरह की बात उसके मन में आती है सोचने लगी क्यों ना अपने बेटे को अमर करा दूं गोपीचंद नुलारी माँ क्यों बावली हो रही है कुछ ना है ना बात में वो
मैनावंती गोपी चंदन नोकन लगी रे बुझ से तू रोन का ख्याल क्यों आया मेरे मन में मां बताए देव तो के बेटा न्यू आया मेरे मन में के कण लगी रे गोपी चंद में डर की तेरी देख कैन श्याम मेरा लाल काल की गोदी में इसी नहीं करे भगवान काल की गोती पैसी करे भगवान लाल काल की गोती पैसी करे भगवान रे मैं गोपी चंद डरगी तेरी देख कर नश्यान मेरा लाल काल की गोती में इसी करे नहीं भगवान हे माँ तू तो बहुत आगे की सोच की तू तो घनी आगे की सोच की बेटा न्यू नहीं मन पहले नहीं सोची थी आज सोची मेरे दिमाग में एक बात आई है कौन सी ओ तेरी शक्ल में थी श्यान शक्ल देख के मेरी बदल की अकल देख के मेरी बदल की अकल और हू बहू थी तेरी नकल हू बहू थी मेरा गया पति पे ध्यान इसी नहीं करे भगवान तेरी मेरा की गोती में इसी नहीं करे भगवान मेरा लाल लाल की गोती में इसी नहीं करे भगवान देखना गोपी चंद के सामने उसकी माँ मैनावंती बताती है कि तेरी शकल में थी श्यान शकल किसका जिक्र करती है अपने पति बदम सेन का कि तेरी शकल थी श्यान शकल में देख के बदल तेरी शकल में थी श्यान शकल देख के मेरी बदल गई अकल तेरा रूप देखा तो मेरा दिमाग घूम गया और वो बहू थी तेरी नकल मेरा गया पति पर ध्यान रे गोपी चंद मडर की तेरी देख का निशान और कदे तो न्यू थे हम के थे एरे था सुत्रा वो छेले छपिला एक दिन फिर की हर की एक दिन फिर की हर की लीला और रे गरोवता कुटुंब कपिला रे गरोवता कुटुंब कपिला ओ पल में छिप गया भाव ओ मेरा लाल काल की गोदी में इसी नहीं करे भगवान बताते हैं लुकमान सुखेन और धमयंत्री तीन ऐसे वैद्य थे जो जिंदे मर्द मुर्दे को भी जिंदा कर दिया करते नोकन लगी रे जब तेरे पिता गए तो वैद्य भी मौके पर ना पाए मने यो डर लाग से कदे तेरी सवरण कैसी काय भी माटी में ना मिल जा अपने बेटे से इतना मोह जताती है मैनावंती कद चले था हुक्म सरकारी हाजर खड़ी थी जनता सारी वो हाजर खड़ी थी जनता सारी और हाथ मसलते रहे नर नारी
नाल की गोदी में ऐसी नहीं करे गोपी तने डर की तेरी हरि दे ओ मेरा लाल काले की गोदी में ऐसी नहीं करे भगवान और आखिरी में तो तोड़ कर दिया मैंने अवंती ने बेटा तू बुझ था ना मैं क्यों रोई ले सुन ले मैं क्यों रोई समझ ले कर्ण सिंह की बाणी या जिंदगी फेर नहीं से आनी या जिंदगी फेर नहीं से आनी मेरा न्यू आया आख्या में पानी ओ न्यू आया आख्या में पानी तन जाना पड़े रोता मेरा लाल काले की गोदी में किसी नहीं करे भगवान गोपी तने डर की तेरी हरि दे गगने से मेरा लाल काले की गोदी में भगवान लाल काले की गोदी में सन्नई कर आनी मेरा न्यू आया आख्या में पानी तन जाना पड़ा रोहतान रे गोपी चंद मडर की तेरी देख कर नशियान जब इतनी बात कही गोपी चंद की मां ने न्यू कहने लगे अरे मां ये दुनिया तो एक दर्शन मेला है इसमें कोई आवस है कोई जावस है कोई हंसस है कोई रोवस है कोई बैठा से कोई सोवस है तू क्यों पागल हो रही है जो होना सब होकर रहेगा ये चाय का प्रसाद उसके बाद समझाता है ब्रह्म ज्ञान बहुत बढ़िया कविराज जी की रचना है ये अपनी मां को धीरज बंधाता है वो गोपीचंद भजन के माध्यम से समझाने की कोशिश करता है या दुनिया केस है आइए चाय का प्रसाद आपके बीच में है एक जोर का जयकारा लगाइए बोल बाबा चंदुदास की बहुत साचे दरबार की ले लो समझ ले कर्ण सिंह की बाणी या जिंदगी फेर नहीं आनी मेरा न्यू आया ख्या में पानी तन जाना पड़े रोहतान माँ के विचार बहुत आगे चले जाते हैं कि मेरे पति की तरह मेरे बेटे की सवरण कैसी काया कदे माटी में ना मिल जाए नौकर लगे अरे माँ अमर कौन रहा से जाना तो सब न पड़ेगा दो दिन आगे दो दिन पाछे जितने सांस जितना यो रिचार्ज है खत्म होते जाना पड़ेगा और मां मेरी बात सुन ये दुनिया तो एक दर्शन मेला है कोई आवस है कोई जावस है कोई जागस है कोई सोवस है कोई हंसस है कोई रोवस है क्यों पागल हो रही है अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है गोपीचंद और क्या कहता है क्या बता? ठाले भाई ठाले इसने इन साइड में उधर ले फिर पड़ा गया वो और इसके गिला तू भी पढ़ सके है आवे
केरी एक आवे एक जान लाग रहा एक देखो खड़ा अकेला मां येरी एक खोवे कपान लाग रहा ये दुनिया जगत झमेला मां जान लाग रहा एक देखो खड़े अकेला मां एक खोवे एक पान लाग रहा या दुनिया जगत जमेला मां देखना बहुत अच्छी कविताई भाव जो चार शब्द आए हैं टेक में कौन कौन से एक आवे आ दूसरा शब्द एक जावे तीसरा शब्द एक खोवे और चौथा शब्द एक पावे चारों के बारे में विस्तार से वर्णन किया कविराज जी ने क्या कहा येरी आवण आला क्या दुनिया में भोकन भोग कर्म काम तेरे गुण माया मृत लोक में दिया फंदा डाल भरम काम अगम अगतना सूचन देती रास्ता मोक्ष परम काम मात पिता संस्कार बिना न रास्ता मिल धर्म काम संस्कार गुरु बिन रास्ता मिल धर्म काम मो माया में लिप्त जीव ने उदाहरण दिया कि जो इंसान इस मृत लोक में आता है मां सोच के तनु आवश्य भगवान तक करार करके कि इस नरक से बाहर निकाल मैं तेरा भजन करूंगा हर जब मृत लोक में आवश्य है ना चोकर तो यह माया घेर ले से यो मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरी महल अटारी से यो मेरा मम्मा यो मेरा नन्ना या मेरी महतारी से यो मेरा ससुरा या मेरी सासू या मेरी रिश्तेदारी से आंख खोल के देख बावड़े मतलब की बीमारी से पागल हो जा साड़ा के आवन आला क्या दुनिया में भोगन भोग कर्म का मां त्रिगुण माया मृत लोक में दिया फंदा डाल भ्रम का मां अगम अगतना सुजन देती या माया जात में सोचे बिना भजन करने की राम अड़ जा गाड़ी ले घोड़ा ले बोल के चाहिए तने और ताई तो पूछन ना देती जड़ भजन होता हो अगम अगतना सूचन देती रास्ता मोक्ष परम कामा मात पिता गुरु संस्कार बिना न रास्ता मिला धर्म कामा मो माया में लिप्त जीव नहीं
जग लग गया नया नवे लामा नू सोचगा या ये दुनिया है बस इस तो ऊपर कुछ नहीं है। दूसरी कलीमत जाने वाले का बताया क्या कहा जान लग रहा करे कर्म फल पाके ने भोग पूर्व ले भोग लिए इस आत्म देव मया के ने वर्तमान चले साथ में मां देख लिए अजमा के ने आखर के मां साथ निभावे करिया दान मन ला के ने आकर के मसाथ दिपावे करिया दान मन ला के ने पच्छे मुड़ के देख्या कोन्या पच्छे मुड़ के देख्या कोन्या छोड़ दिया जग मेला मां देखो है जावन आला जान लाग रहा करे कर्म फल पाके मां भोग पुरव लिए भोग लिए इस आत्म दे मां के मां अंत समय में साथ निभावे करया दान मन ला के मां और वर्तमान चले साथ में तू देख लिया जमा के मां जो दान पुनः होता है उसको इंसान को अमर कर देता है। गौशाला में प्यावशाला में कितने भी मंदिर में पाठशाला में बोर्ड लग जा अब इस कमरे का निर्माण फलाने आदमी ने करवाया भावी पीढ़ियों तक उसका नाम अमर हो जाता है। आठ पीढ़ी पाद सभी छोरा नू कहगा मेरे पड़दादा ने करवाया था यो अमर वो होता है आदमी। तीसरी कली में खोवन आला दुनिया में भी आ जा है फिर भी खोवे के खोवे क्या कहा खोवन आला खोन लग रहा पर निंदा करे पुराई संत समागम हरी कथा कद सुमरिया नर गुराई गौशाला और धर्मशाला में खर्चा न देला पाई और जोड़ जोड़ धनी कट्ठा कर लिया वरे की धरी धराई माँ जोड़ जोड़ धनी माया कट्ठा कर लिया रे की धरी धराई असल कीमती बखत खो दिया असल कीमती बखत खो दिया भरिया पाप का ठेला माँ देखो है करे बुराई संत समागम हरी कथा कदे सुमरिया ना रघुराई गौशाला और धर्मशाला में खर्चा ना के ला पाई अर मां लूट लूट माया कट्ठी कर ली वर रहेगी इधर इधर आई बुरा भी बन दिया भाई का हक भी मार लिया पड़ोसी का हक भी मार लिया और फिर सब न्याड़े रह जाए केवल और केवल बुराई के लिया जा आदमी को
आखरी कलीमा मां पाना से तो के पाना ची आदमी ने, धन दौलत पाना कोई पाना नहीं होता, अगर पावे तो या चीज पावे कौन सी। हेरे गुरु कर्ण सिंह पावन आला सकल पदार्थ पार्या सत परमारथ जीव की रक्षा सेवा जनक नेक नीति का दसवा हिस्सा दान पुण्य में और बच्चे बखत में बैठ कुण में कुण ईश्वर के कार्यास बच्चे बखत में बैठ कुण में ईश्वर के गुण वो तान सिंह खड़ा सबकी बोल पे सतगुरु दे रहे देखो दुनिया बोल बाबा चंदूदास महाराज की। गुरु करण सिंह पावन आला सकल पदार्थ पार हसे सत परमार्थ जीव की रक्षा वो सेवा जन की ठार हसे नेक नीति से दसवा हिस्सा दान पुण्य में ला रहा से और बचे बखत में बैठ कोण में ईश्वर के गुण गा रहा से रोहतान सिंह खड़ा सत की पोल पे सतगुरु दे रहा हेला मां मां जाना तो सब न पड़ेगा लेकिन असल जीवन वही है जो दान पुण्य करता है साधु संतों की संगत करता है मार्गदर्शन करता है। बहुत समझाने की कोशिश की नौकर लगी रे बेटा कितनी समझा ले मेरी एक इच्छा है कि मैं अपने बेटे ने अमर कराऊं। मेरी मां अमर कोई होया से इस दुनिया में मना बता कौन अमर होया से अपनी माँ के सामने जब ये बात कहता बेटा मैं मरी पड़ी सु तेरी चिंता में 24 घंटे तेरी चिंता रह जाए के कण लागी क्या कर दिन रात गात मैं रंज फकरी मैं पड़ी रहूं उलझन में की तेरी ओढ़ती उठ चाल पतने में रंज फकर मेरे मैं पड़ी रहूं उलझने में ओ सो मन की तेरी ओढ़ती उठ चाल पतने में रात रात रंज फकर मैं पड़ी रहूं दिन रात गात रंज फेकर मैं पड़ी रहूं उलझन में सो सो मन की तेरे ओढ़ के मेरा उठा जाल बदन में आज तक दुनिया राजा कैसे तने और तेरी सवरण कैसी काया है सुंदर रूप है एक दिन मट्टी में मिल जाएगा। मेरे कहने से बेटा मेरी बात मान ले वो मैनावंती क्या कहती है।
सुंदर रूप अनूप भूप तेरा, सुंदर रूप अनूप भूप तेरा, एक पल में बेटा सुंदर रूप अनूप भूप तेरा एक पल में डे जागा और कवल नैन मुख चंद्रमा सा गर्दिश में गह जाएगा, यो माटी का पुतला रह जाएगा, तेरा हंस रहे ना तन में बेटा माटी हो जाएगी। माँ किसकी नहीं हुई, माटी सबकी हुई है। दूसरी कली में मैंने अवंती क्या समझाती है, क्या कहती है? पाठ सब ठाठ तेरे, राज पाठ सब ठाठ तेरे, ये रल जा धूल साहब बहुत आदरणीय और इनके तो दर्शन आज नो समझ लो, इनके दर्शन कर लिए तो गंगा जी मना लिए। क्यों? क्योंकि सीधे हरिद्वार से आए हैं। तो बार जोरदार ताली लगाओ। गंगे मैया तरण तारणी है और उस सथली से आए हैं तो बहुत पुण्य का काम है। हमारे बीच में भाई जीतू शर्मा जी मानुरु गांव से बहुत मान सम्मान पहले दिया, शोध पे से और मान सम्मान, बार बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजपाट सब ठाट तेरे, ये रुल जा धूल में और जा सूख तेरा गुलजार ना खुशबू आवे फूल में, मेरे गोपी चंतु भूल में वो लुटेगा छन में, बेरा को निपट माँ बावड़ी हो रही से तू तो दे बेटा बावड़ी को नितन समझाऊं सू क्या कहती। Thank you.
तेरा बैम हो गया, मरों को न थी मेरे आख्या मासू नहीं थे, तो मां के था मैं तो भगवान तक प्रार्थना करूं थी, माइसी के प्रार्थना कर थी कि बेटा तेरे नाम की प्रार्थना करूं थी मैं, और मैं भगवान तक के कहूं थी, क्या कहती है सिंह तेरे नाम की रो नाम तेरे नाम की फेरू हे परमेश्वर बच्चा कर से अर्जी लिखल मैं अमर अमर बोले बाबा चांदूदास महाराज की, बोले साचे दरबार की, कह रो तान सिंह तेरे नाम की मनित माला फेरू सू, हे परमेश्वर बचा काल तमर्जी लिख लिख गेरू सू, मैं अमर अमर पद टेरू सू, ना चाती आवा गमन में पड़ी रहूं उलझन में। बेटा यो है दुख से और कोई चिंता नहीं, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, कोई दासी बांधी ने कुछ कहा नहीं, किसी दुश्मन की तो हिम्मत के पड़े, नुलहरी माँ बावली रहेगी, कितनी समझा ली कितनी बता ली जाना सब न है, लेकिन मैं नावंती का दिमाग में एक का बात घूमे, बेटा अमर कराया जा किस तरह भी कराया जा, बताते ही विचार करके मन में, नुलहरी माँ एक बात सुन ले मेरी, कौन सी बेटा तू अमर कराने की बात करे, के कण लग गया क्या कहता है क्या बता विश्व विश नाम विष्णु का अजरी अमर मा अविनाशी हे माँ अमर तो एक है बस वो है साक्षात परमेश्वर, ये सारी दुनिया नश्वर है, जिसको एक दिन नष्ट होना है जिसको एक दिन खत्म होना है, सर्वे सर्वा सर्व भवंतु और अजर अमर केवल एक परमात्मा है, मैं परमात्मा नहीं हो सकता मैं इंसान हूं, कहते कि यो भी मेरा या झूठी मेरा मेरी से मरना साचर जीना झूठा मरना साचर ना मरने में देरी से मां आया सोचना जाना पड़ेगा काल का टाल नहीं से।
एरी विश्व पीछे नाम विष्णु का अजरी अमर मां अविनाशी और लख चौरासी जिया चुन के या लगी काल की फांसी विश्व बीस नाम विष्णु का अमर अमर मां अविनाशी चौरासी जिया जून में लगी काल की फांसी विश्व बीस नाम विष्णु का अजर अमर अविनाशी के जब इतनी गहराई की बातें हों ऐसे लागे जैसे पुराने कवियों की कविता ही है। जितने भी जागर सना एक बार ताली लगा दो कविराज साहब का नाम। अब फिर तुम लौट क्यों गए? कड़ दुख है और मन 15 दिन रात हो गए मेरी के कड़ दुख तिना होगी फिर मेरी कड़ के छोटी से कर तो मेरी भी दुखती होगी। बोल बाबा चांदू दास की आवाज कोने आई? बोल बाबा चांदू दास की विश्व बीस नाम विष्णु का अजर अमर मां अविनाशी लख चौरासी जिया जून के लगी काल की फांसी। और के सोचे है गोपी चंद बेरना कितने गोपी जन जा लिए कौन बड़े बड़े राज्य महाराजा जा लिए जाना पड़ेगा सब में क्या कहता है तेरे गोपी चंद की के गिनती तेरे गोपी चंद की के गिनती हेरी बलशाली बलवान गए 88,000 वर्ष तप करके वो तुरिया पद में ध्यान गए जिसकी जितनी बनी समर्था वह उतना ही दे ध्यान गए चक्रवर्ती ना रहे जगत में वह प्रियवर्ती उतान गए चक्रवर्ती ना रहे जगत में प्रियवर्ती उतान गए हेरी अजर अमर होना सृष्टि में अजर अमर होना सृष्टि में तो ना बात चरासी लाख चौरासी लगी काल की मेरे विश्व बीस नाम विष्णु का किस किस के नाम बताऊं? हिरणाकश्यप हिरणाक्ष दंतवकर शिशुपाल रावण कुंभकर्ण बड़े बड़े राज्य भी चले गए। मेरे भाई मनवीर प्रजापत जी कितने लागे आजकल तुम? ये हमारे बहुत पुराने साथी हैं आज कई साल में मिले हैं इस तरह लग गया है जनू। हाँ बिछड़ा हुआ मेरा यार है ये बहुत अच्छे स्वभाव का लड़का है हमारा भाई है ऑफिस में दादरी आता जाता रहता भाई का बार बार धन्यवाद 100 रुपए से मान सम्मान देते मेरे भाई मनवीर धन्यवाद धन्यवाद।
आत्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी बोले आत्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी बोले चले गए माँ ब्रह्म ज्ञानी भले भल्या का भरम टूट गया मिट गी नाम निशानी हर से पैर लग्या रखा था पतकड़ गए अभिमानी होगी क्षण में धूल धूल में या थोड़ी सी जिंदगानी होगी क्षण में धूल धूल में थोड़ी सी जिंदगानी मेरी काल कया के पेश चलना काल कया के पेश चलना सहे मन ना बोले काशी विश्वे भी सनाब विश्णु का अमर दर्दनाचे और लाख चोराच दिया दूनक लगी काल की पासी विश्वे भी सनाब विश्णु का कुछ आंख खुली तेरी बोले रे बेटा मेरी तो ये आंख एक कबात में खुल सके तू अमर हो जा रट लगा रखी माँ के मन ने नुकन लग रही माँ बड़े बड़े चले गए के आत्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी चले गए माँ ब्रह्म ज्ञानी भले भल्या का भरम टूट गया मिटकी नाम निशानी और से बैर लगा रखा था बता कड़े से वो अभिमानी और माँ होगी क्षण में भूल धूल में या थोड़ी सी जिंदगानी आ तू घनिश्याणी बने है ना जब आवेगी ना जब काल आवेगा तो टाल को ना हो क्यों कर के काल का आगे पेश चलना मन चाय लको लिए काशी ओड़े भी टो लेगा समझाने की बहुत कोशिश करता है कि मां मेरा मेरा के भगवान भी चले गए जाना पड़ेगा क्या क्या मुरलीधर गोपाल गोविंदा मुरलीधर गोपाल गोविंदा और ब्रज बिहारी नंदलाल गए अस्त्र शस्त्र मलयुद्ध जाने वे बीमा कर काल गए मामा सुखनी द्रोणाचारी बिछा कपट के चाल गए भोजरी साले टम टम बगी तजमाया धन माल गए भोजरी साले टम बगी तजमाया धन माल गए विद्वान स्वामी सुगड़ स्त्री विद्वान स्वामी सुगड़ स्त्री और नहीं रही कोई दासी सब साथी दुख मेरा को कविराज रोहतान जी सौ रुपये समान समान करते बार बार धन्यवाद धन्यवाद मुरलीधर गोपाल गोविंदा ब्रज बिहारी नंदलाल गए अस्त्र शस्त्र मलयुद्ध जाने वे भी मां कर काल गए
मामा सुकनी द्रोणाचारी बिछा कपट का जाल गए और मां फौज रिसाले टमटम बग्गी तज माया धनमाल गए। सब ने जाना सही आड़े रह जाएगा। कौरव पक्ष को बचाने के लिए द्रोणाचार्य ने बिराना के रचना रची थी, लेकिन मां बचिया द्रोणाचार्य भी कोने। आखिरी कली में बोर करना लोगो, मैंने जब ये देखी खासकर चौथी कली मेरे भी आख्या में पानी आ गया। गौर करना क्या कहा, कहे रोतान सदा रहन ने, वो कहे रोतान सदा रहन ने, तेरी बोंद कला घर काम नहीं, जप तप संयम करो साधना, योग बिना निज धाम नहीं, कर्म करया दिन रात फिर भी वो हाथ लग्या घन श्याम नहीं, और कौन जगत में अमर बता दे मन सुनिया कोई नाम नहीं, कौन जगत में अमर बता दे मन सुनिया कोई नाम नहीं, तेरी जम में सो मरण में आया, जम में सो मरण में आया, संतन पानी या खासी विश्रो विश्रा विश्रो अजर अमर विनाशी, बोलिए बाबा चांदोदास महाराज की। कह रो तान सिंह सदा रहन न बोंद कला घर गाम नहीं, जब तप संयम करो साधना, योग बिना निज धाम नहीं, कर्म कर्या दिन रात फिर भी हाथ लग्या घनश्याम नहीं, और कौन जगत में मने बता, कौन अमर जगत में मने बता मने सुनिया कोई नाम नहीं, हे मां जाम्या सोए मरण में आया, संतन बाणी या खासी, संतों की बाणी है जिसका जन्म होया उसका मरण निश्चित है, क्यों बावड़ी हो रही से, क्यों पागल हो रही से, बहुत समझाने की कोशिश करी लेकिन माँ की ममता तो न्यारी हो से। सजनो हाथ जोड़ के गोपी चंद्र कहा, माँ इस फिक्र न छोड़ दे, आशी खुशी तो रहा कर, बढ़िया खाना पीना खाया कर, क्या कि तेरे दासी बांदिर ही टहल करने सेवा करने क्यों पागल हो रही से तू। जब इतनी बात की ना कि फलाना गया मां दकड़ा गया मां, नुबली रे तू दूसरे दूसरे के नाम बताओ है, तन्ने इतना नहीं बेना कि एक दिन तन्ने भी जाना है। नुबलिया मां मन बेरा मन जाना है, लेकिन मां देखना बात मल जाने की कोशिश करा उसने, के कहने लगी बेटा मेरी एक बात सुन, क्या कहती है, रे मरे खुर्यान लग्या गणावण, तन खुद मरना तेरे ख्याल नहीं, कोई जतन ढूंढ ले न्यारा बेटा तेरे दौर फटक तार नहीं, मरे खुर्या में लग्या गिणावण, खुद मरना तन ख्याल नहीं,
लग्या गिनावन तने खुद मरना तेरे ख्याल नहीं कोई जतन ढूंढ ले न्यारा बेटा तेरे तोरा फटके काल नहीं बेटा यो भी मौका से इशारा तो या कर थी कि तू अमर हो जा जतन तो यो ही था लेकिन साफ नहीं कहना चाहती थी इशारा करती है गौर करना क्या कहती है राशि आवत मन में फंड काटन का मौका से राशि को तीना ती तेरे हिमाती झूठ कपट सब धोखा से जाल नहीं मरे पुरावन लग्या गणावन तन खुद मरना ख्याल नहीं ओ जतन ढूंढ ले ओ सा ढूंढ ले तेरा बेटा थोड़ा पटक मरे पुरावन लग्या गणावन तन खुद मरना तेरा ख्याल चौरासी आवागमन में यो फंद काटन का मौका से गोती नाती तेरे ही माती झूठ कपट सब धोखा से यो पार तरण का मौका से तेरा लग जोखम जाल नहीं मरे खुरिया न लग्या गिनावन तने खुद मरना तेरे ख्याल नहीं बेटा पागल मैं नहीं पागल तू भी हो रहा से मां मैं पागल क्यों करो या बेटा न्यू होया के कर लगी कविराज जी ने कितने प्यारे शब्द लगाए कि निराकार निर्लेप नारायण गुरु जी शायद अनुप्रास अलंकार होता है क्योंकि मन्ना भी थोड़े बहुत संस्कृत पढ़ी है कि निराकार निर्लेप नारायण तू रूप ही का जान लिए और एक बात और बेटा मिला नूर में नूर हरी से सतका साधन और मेरी छानी ने छान लिए जो आज मैंने बात कही से ना वह पक्की पाओगी एक दिन अगमट्ठी में मिल जाएगा और मैं चाहती नहीं
मेरी छानी ने छान लिए पावत तिल भर छाल नहीं मरे खुरिया न लग्या गिनावन तने खुद मरना तेरे ख्याल नहीं अगली कली में क्या समझाती है क्या कहती है उद्भिद सौदा जी हो जादू रखना उद्भिद सौदा जी हो जादू रखना पल में फंदे कट जाएंगे तू छुटे काल से नारा अरे खुराना लगा गया तब खुद मरना तेरे काल और कोई चोर पतक काल नहीं अरे खुराना लगा गया तब खुद मरना तेरे काल जेरज अंडज उद्भिद सौधज ओझा दूर किनारा इस तब बच जाएगा बेटा और तेरे पल में फंद कट जाएंगे सारे तो छुटे काल त न्यारा इशारा भी कर दिया कि अमर कौन होया है जो आज भी अमर है जिसके आज भी दर्शन किए जाते हैं कौन अंबर में चमकत रू सितारा जड़ पीछे काल का जाल नहीं बेटा ईसा काम कर जो तेरे काल दो भी ना हो और तू अमर हो जा तेरी न्यूकिनु सवरन काया रह जा बेटा मैं तने खोना नहीं चाहती क्या कहती बोलिए बाबा चांदोदास भगवान की बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो कह रो तान सिंह समझनिया समझे समझे मूड मती कोन्या और बिन समझे इस भाव सागर त मिलती मोक्ष मती गति कोन्या तिल भर झूठ रति कोन्या उस काल का गटाल तू मरे खुरिया न लग्या गिनावन तने खुद मरना तेरे ख्याल नहीं पहले तब गोपीचंद समझाओ था अपनी माँ ने अरे भी गोपीचंद की माँ अपने बेटे ने समझाने लगी बेटा मेरी मान ले के मान लो माँ कौन हो या समर क्यों बावड़ी हो रही से तू आया सोई जाना पड़ेगा अपनी माँ से सवाल करता है गोपीचंद और क्या कहता है क्या बता मेरी
जगत में जतन बता दे सोच समझिए कि दो दिन में मां तेरे को टाइम दिया हमने दो चार दिन का, जय फिलहाल नहीं बता सकती तो एक दो दिन में बता दिए दाओ सोच के अमर कौन होया से। तेरी कौन जगत में अमर बता दे सोच समझ एक दो दिन में। तेरी कौन जगत में अमर बता दे सोच समझ के दो दिन में। कौन जगत में तेरी हर कज ताल करूं कोने हर कज ताल करूं कोने मन करा संकल्प मन में। कौन जगत में जतन बता दे सोच समझे जितना अमर बता दिए तो मैं तेरा कहना मान लूंगा। फिर तो इस जगत माने जाना आवागमन खत्म हो जाएगी, इस काल से अलग हटकर छट जाएगा, लेकिन तना बतानी पड़ेगी पहली कली में गोपीचंद क्या कहता है। मोक्ष आधार तार दे माँ भवसागर पार। जीव का हो जा मोक्ष आधार तार दे माँ भवसागर पार। यार काल बलि की ना पड़े मार, काल बलि की ना पड़े मार, श्रद्धा करूं भजन में। कौन जगता मैं जतन बता दे सोच समझ को हो जा मोक्ष आधार तार दे मां भव सागर से पार और काल बलि की पड़े ना मार मैं श्रद्धा कर लगूं भजन में। उस दिन तो भजन में लायक जंगा जिस दिन नू बता दे कि बेटा ये रास्ता सीधा है, लेकिन मां जे अमर होने की बात वह मेरा जरती को ना जाना पड़ेगा क्या कहता है। करूंगा ध्यान रघुवर का सुमन रोज करूं मैं हर का। करूंगा ध्यान रघुवर का मेरे सुमन रोज करूं। और भेद बता दे मने उस घर का, भेद बता मने उस घर का तेरी आना कोने जमाने। कौन जगत में जतन बता दे सोच समझ के दो दिन में। धरूंगा ध्यान नाम रघुवर का सुमरण करूं मैं रोज हरि हर का। भेद बता दे मना उस घर का, कौन से घर का जड़े दाना जाना ना होता हो जहां मोक्ष की प्राप्ति हो जाती हो। के
भेद बता दे मने उस घर का, आना कोन्या आवागमन में, अर्गज टाल करू कोन्या मन करया संकल्प मन में। तीसरी कली में क्या कहते हैं, क्या तलू में चारों खान जीव की जीत चारों खान और दिए माँ बलि बुद्धि ज्ञान बच्चा के जान बच्चा जान मेरे उठे जाल बल मन बल बुद्धि और ज्ञान मेरे काल तक बचा प्राण बेटा या तो मैं पहले कहूं थी मेरी काल तक बचा दे ज्ञान मेरे उठे जाल बदन में देखना के तनाट था लेकिन अपने मन मां का मन रखन का तन ले मां तौली कर मेरे तो जाल उठन लागी अमर होने की आ क्यों करे इस बात ने छोड़ दे क्या कहता है ओ रोहतान सिंह गुरु की बाणी याद कदे आवे नहानी और मन बता दे खोल कहानी मैं अमल करूं एक क्षण कौन जगतन बता दे सोच समझ के दो दिन में मेरे बड़े भाई मेरे साथी भाई मनवीर प्रजापत जी सौ रुपए से और मान सम्मान देते हैं भाई साहब का बार बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कह रोहतान सिंह गुरु की बाणी रखूंगा याद आवे ना हानी मन बता दे या खोल कहानी अमल करूं पल क्षण में हे मां भेद बता दे उस घर का तेरी बात न मैं ऊंची करूंगा। एक भजन के माध्यम से कोशिश करता है कि मैं क्यों बावड़ी होरी से बात तोड़े ही लाऊंगी बात तोड़े आनी से के बेटा असली बात तो यह है सके जोग ले ले कि मां ही बताई तना असली बात जोग का कौन सा रास्ता है। हम तो गृहस्थी हैं प्रजा के पालक हैं और मां जोग भी ले लिया तो यह प्रजा का पालन कौन करेगा।
ये 16 रानी और 12 कन्या इनकी संभाल कौन करेगा? समझाने की कोशिश करता कि मां एक गृहस्थी के बस का जोग नहीं होता। क्या कहता है? क्या होता होगा सुरेश का दो भजन और करते हैं, बुला ले मेरे यार, अम्मी तो लड़न लग रहे हैं, मारे भी नींद से एकदम होगी तबीयत एकदम। रोहतान जी चाय बनवा दो, छोरे की तबीयत डाउन है, क्यों इसके कई दिन हो गए वैसे लग गया ने बेचारे ने, बढ़िया सी चाय बनवा दो। संता की दया तो मौज है, सब क्या है कि जिसने ली आनंदी भोग उसे का बस का कोना जोग लगे, यदि काया के मारोग मानस जीवना मरे। आनंदी ली भोग उसका बस का कोना जोग, यदि काया के मारोग जीवन भोग उसका बस का नहीं जोग, काया के मरोग मानस जीवन भरा। जिसने ली आनंदी भोग, हे माँ सारे आनंद भोग रखे हैं एक राजा होते हुए, जिसने ली आनंदी भोग उसका बस का कोना जोग, लागे काया के मार रोग मानस जीवन ना मरे। हे मां आदम बिचाल लटकाओगी मने, मेरी बात सुन क्या कहते हैं, क्या कहा सहारे जीवेंगी और छुट जागा अनपानी, और मृगा के सितार फिरे मां छिड़ जा राम कहानी, और कहर घड़ी में फस जाएगी मां कोई आनी कोई जानी, कहर घड़ी में फस जाएगी मां कोई आनी कोई जानी। इनका हो जा बुरा भेष मिल दिख खुले तने केस, फिर एक चले न पेश सिला क्यों छाती पैदल, आया दिल भोग उसका बस का कोई रोग लागे, काया के मरोग मानस जीवन अमर।
प्यारी आए पिताजी आए पिताजी ये रोवे देख लकारी कौन किसे न डटेगा या रात पहाड़ ते भारी मारा कन्या रोवेगी ओ बाप का घराता मारा कन्या रोवेगी बाप का घराता मारा खो दिया प्यार ये ते रोवेंगी शर्म मार के कटी जीते जी तलवार राम जी क्यों कर भला कर जिन आनंदी भोग सके बस का दो न जोग लाके काटे मरो मानस जीवन कर आनंदी भोग सके बस का नहीं जोग लाके काटे मरो मानस जीवन अमर समझाने की कोशिश करता है गोपी चंद के माँ ये बारह कन्या पड़े छोड़नी जो लग गए जीत प्यारी आए पिताजी आए पिताजी रोवेंगी देख किलकारी और कौन कौन सी न डांटेगी या रात पहाड़ तो भारी और माँ तन लकड़ते दिखेंगी ये बेटी घरा कवारी तड़के न्यू भी सोचेगी इनकी शादी कर दूं उड़ा बाप भी चाहिएगा फिर तेरे याद आऊंगा मैं कहेंगी मारा खोस लिया प्यार ये रोवेंगी सिर मार जीते जी टेक दी तलवार राम जी क्यों कर भला करे मानस जीवन अमर है क्या क्या राजा गोपी चंद के एक बहन थी जिसका नाम था चंद्रावल नुकन लगे रही माँ उस कैतन ने भी सर जागा इन बेटिया ने भी सर जागा लेकिन एक बहन ने भाई के बिना सरया नहीं करे क्या कहता है आवेगी कौन सर पे हाथ धरेगा मैं इकलौता गोपी चंद सू कौन जाके बात भरेगा और मेरी बहन के ताने लाके जग के ताने धरेगा मेरी बहन के ताने लाके जग के ताने धरेगा लग बोल की शेल मांडा बाती बिन किसा मेल उसका बना बिगड़ जा खेल भाई बने किसने सरे लोग उसके बस का नहीं लोग लागे कहे मरोग मानस जीवन का मरे आनंदी भोग उसके बस का नहीं जोग माँ जय किसी साधु संत की सेवा की बात करती हो तुम्हारे कर लूंगा लेकिन अपने रिश्ते नाते निभाए बिना किसी न को नहीं सर मेरे बिन माँ चंद्रावल में बिल्कुल नहीं सरेगा वह बात नोतनी आवेगी कौन सिर पर हाथ धरेगा मैं इकलौता गोपी चंद कौन जाके बात भरेगा और मेरी बाण का ताने लागे जग का ताने डरेगा यो जमाना बाल की खाल तार ले है नो कहेंगे तेरा भाई कित गया भाती बढ़ के नहीं आया उस बाण में के बीतेगी
आखिरी कली में क्या कहता है। टहल कर लूंगा मन बत भेजे मां दूर परेशी मैं इस रंज में मर लूंगा। और जो देंगे उपदेश मेरे ते मैं चित में धर लूंगा। रही धर्म कर्म की बात दया की मैं बोली भर लूंगा। रही धर्म कर्म की बात दया की मान जा मान जा। रोहतान सिंह की बात राज में छिड़ जागा उत बात बिगड़ जा रजवाड़ा में जा तो फिर तेरा बेटा ना भले। आनंद भी भोग उसका बस का नहीं होगा बाण से जीवन हमारे उसका नहीं लोग मान से जीवन मरे। बोले बाबा चांदोदास महाराज की जय हो। बोले शंकर भगवान की। चाय का प्रसाद बनने लाग रहा है। इतना ही वह कंबल मात काट के दोनों हाथ ऊपर ना ढाके जोर का जकर लगा दो। इब जटा रे रहा है वहां सोड़ ओटी बैठे तो हम दो जोर का जकर। बेरा ना जनों सवेरे सिलेंडर भरवा के ले जाएंगे। अग बेरा ना खाद का कट्टा लेना आ रहे हैं। इस तरह लौट रहे हो लंबी लंबी लाइन ला क्या कर दी ना गुरु जी खाद की बाट में सन आगे लौट जाते। इस तरह लौट रहे आइए चाय का प्रसाद आज के आपके बीच में। अच्छा ये तो फिर ठंडी हो जाएगी ठाकुर साहब ठंडी हो।